आदेश वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश कानिफनाथ गुरुजी ने करीब पांच करोड़ शाबर मंत्र दिए देखो शाबर मंत्र जो अब है और जो शाबर मंत्र उनके समय में होता था इसमें बहुत अंतर होता था मैंने अपने गुरु से एक सवाल पूछा था कि एक जीवन काल में कोई पांच करोड़ शाबर मंत्र कैसे दे दे सकता है तो उन्होंने बताया कि पाँच करोड़ जो साबर मंत्र होते हैं जो सिद्धों के मुंह से वाक्य निकल जाए वो साबर मंत्र हो जाता था तो अगर किसी का कार्य करना है कालिफ जी को और कालिफ जी ने किसी देवी और देवता का आवाहन कुछ बोल कर किया कुछ पंक्ति बोल कर की तो वो साबर मंत्र के बराबरी का मंत्र माना जाता मतलब साबर मंत्र ही माना जाता था और ऐसे ही साबर मंत्र का रचना होता चला गया तो जैसे जैसे वो मंत्र बोलते थे उनके शिष्य उसको लिखते जाते थे जब शिष्य लिखते थे तो उसमें खुद प्रयोग करने के लिए जब वो खुद प्रयोग करते थे तो उसमें दुहाई देते थे अपने गुरु की जैसे साबर मंत्र के बहुत सारे मंत्रों में आपने दुहाई देखी होगी कि गुरु की दुहाई फूरो मंत्र ईश्वरवाचा ठीक है मतलब जो बोल रहे हैं गुरु वो ईश्वर का ही वचन है तो इस तरीके से कांखनाथ जी ने काफ़ी साधनाएँ दी उसी में से नाथ जी ने एक साधना दी जो कि बहुत महत्वपूर्ण साधना है इसमें आपको भूत किसी भी व्यक्ति के सामने आप बैठेंगे तो भूत भविष्य और वर्तमान का आभास हो जाता है देखो पूर्ण रूप से अगर कोई बोले कि मुझे भविष्य पता चल सकता है तो ऐसा नहीं होता है एक कथा है हिंदू धर्मों में हिंदू शास्त्र में एक कथा है जिसके अनुसार महादेव का ये सभी भविष्य वक्ताओं को श्राप है कि किसी भी भविष्य वक्ता का जो भविष्यवाणी होगा वो कभी साठ प्रतिशत मतलब एक वो पुरानी भाषा के गन्ना के हिसाब से उसको मॉडर्नाइज करके मैं आपको बता हूँ साठ प्रतिशत के करीब जो भविष्यवाणी होगी वही सही होगी इसका एक कारण है इसका कारण है जो कर्म का मैंने आप लोगों को चक्र बताया था कि हर समय आप कुछ ना कुछ सीखने के लिए खड़े होते हैं अपने जीवन में और हर समय आपके पास दो ऑप्शन होता है जीवन में मैं ये करूं या मैं ये करूं आप अगर पहले ऑप्शन के साथ जाते हैं तब भी आपको दूसरा ऑप्शन के लिए आना पड़ता है हाँ जो भूत है किसी व्यक्ति के साथ जो घटित घटना है उसका आभास हो सकता है क्योंकि उसके एनर्जी सिग्नेचर में वो इंस्टोर्ड रहता है और प्रेजेंट का भी अंदाजा होता है आपने देखा होगा कि जब मैं स्पिरिट के माध्यम से टैरो कार्ड रीडिंग कर रहा था जिस व्यक्ति ने अपनी समस्या मुझे बताई थी कि उसकी आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है तो मैंने उसका भूत भी बता दिया था उसका भविष्य भी बता दिया था मतलब भविष्य में क्या हो सकता है अगर वो वर्तमान में जो कर रहा है उसको कंटिन्यू रखे और फिर वो व्यक्ति भाग गया ठीक है तो आज वैसे ही एक विद्या मैं आपको दे रहा हूँ ये धीरे धीरे जागृत होने वाली विद्या है जैसे कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे उठती है वैसे ही इस विद्या में परफेक्ट होने में काफी समय लगता है ठीक है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए हनुमान जी की साधना है ठीक है तो आपको एक चीज समझ लेनी है कि अगर इस विद्या में आपको निपुण होना है तो आप एक ही मंत्र पकड़ के चलेंगे इस मंत्र को कंठस्थ करेंगे और रोज इस इसी मंत्र के पीछे रहेंगे हनुमान को ही आ, अपना इष्ट मानते हुए आप इस साधना को करेंगे ठीक है तो अगर आप सक्षम हैं तो एक छोटी मूर्ति एक मुट्ठे भर के हनुमान जी की लाए ठीक है और वो किस रंग के होगी वो भकरा सिंदूर के रंग का होगा उस पर आप रोज भकरा सिंदूर का लेपन करेंगे ठीक है ये इनकी रोज की सेवा होगी कि चमेली के तेल में आप भकरा सिंदूर मिला करके उसके बाद आप इसको रोज आ, एक कवर चढ़ाएंगे भकरा सिंदूर का जो नहीं कर पाएंगे ये वो एक नारियल को हनुमान के रूप में स्थापित करेंगे अपने घर में ठीक है उसके ऊपर एक पीला कपड़ा लपेट के जिसको हर पूर्णिमा के दिन आप बदलते रहेंगे एक नारियल एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक रहेगा और जो नारियल बदल देंगे आप उसको पानी में विसर्जित कर देना है और उसको ऐसे विसर्जित करना है कि कोई देखे ना ठीक है विसर्जित करने से पहले उस नारियल को तोड़ देना है मतलब दो टुकड़े में करके ही उसको विसर्जन करेंगे इस पूरी प्रक्रिया को कोई देखे ना ये आपको हमेशा कंफर्म कर लेना है कि कोई भी आपको वो नारियल विसर्जित करते हुए ना देखे दूसरी चीज़ आपको चाहिए क्या भोग जो रोज में आप भोग देंगे तो भोग के लिए बहुत विशिष्ट चीजें नहीं चाहिए कुछ भी जैसे इलायची दाना होता है काजू होता है किशमिश होता है मिश्री के दाने होते हैं इसको एक डब्बा में करके आप रख लें मिश्रित और इसको रोज़ चढ़ाएं सिर्फ मंगल के मंगल हनुमान जी को कोशिश करें कि आप लड्डू का मोदक का भोग दें ठीक है ये दो चीज़ें हो गई एक तो उनकी स्थापना हो गई दूसरा उनका भोग हो गया तीसरा उनके ईस्ट है तो एक तस्वीर राम दरबार की आपको जिस जगह आपने स्थापना की है उसके ऊपर लगानी चाहिए ठीक है रोज़ आपको घी का दीपक जलाना है छोटा जलाएं लेकिन घी का ही दीपक जलाएंगे ठीक है पांच अगरबत्ती पांच संख्या हमेशा पंचमुखी हनुमान है तो संख्या पांच की होनी चाहिए तो पांच संख्या में अगरबत्ती जलाएंगे दे देंगे पुष्प चढ़ाएंगे ठीक है अगर मूर्ति रखी है तो उसको हल्का इत्र रोज देंगे ठीक है चंदन का इत्र उनको प्रिय है तो चंदन का इत्र आप हनुमान जी को देंगे तो ये प्रोसेस आप लोगों को रोज करना है लेकिन इस पूरे प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको एक दिन चाहे तो सोलर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण या फिर नवरात्रि के नौ दिन या काली चौदस या होली के दिन इस मंत्र का एक हजार जाप करना है इसका एक हजार जाप करने के बाद आप डेली बेसिस पे इसका जाप करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये मंत्र अपना असर आपके जीवन में दिखाने लगेगा अभी मंत्र सुनो ओम नमो वीर हनुमान हाथ बताशा मुख में पान आओ हनुमान बताओ हाल काल रथी का चेला अंजनी का लाल अमुक मनुज पीछे आगे अमुक मतलब आप जिसके बारे में जिसका भविष्य आपको जानना है भविष्य सब ऊंचा नीचा पाप पुण्य सब चोखा चोखा तुरथी बताओ ना बताओ तो माता अंजनी का दूध हराम गुरु कानिफ उचारे अंजनी का जाया हनुमान मारो काज सवारे, मेरी भक्ति गुरु कानिफ की शक्ति मंत्र ईश्वर ठीक है इस मंत्र का आपको जाप करना है ठीक है इस मंत्र का जब भी जाप करते हैं साबर मंत्र का अपना एक विधान होता है कि सबसे पहले गुरु मंत्र करते हैं या गुरु पूजन करते हैं गुरु मंत्र आपके पास नहीं है गुरु पूजन आप नहीं कर सकते हैं गुरुवे न मतलब भीम विष्णु महेश्वरम तीनों के समान जहाँ भी मेरे गुरु हैं जो भी मेरे गुरु हैं उनको नमस्कार है उसके बाद गणपति का जो मंत्र है ओम वक्रतुण्डाय फट उसका सात बार जाप करेंगे उसके बाद हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कर मतलब इनके ईश की पूजा करेंगे ठीक है महादेव की पूजा करेंगे ठीक है ओम हंग नम शिवाय इसका जाप करेंगे ये सारी पूजा को करने के बाद हम इस मंत्र की साधना करेंगे जब आप शुरुआत करेंगे इस मंत्र की साधना करने का तो आपको काफ़ी डरावनी आवाज़ें आ सकती हैं ऐसा सबके साथ नहीं होता है लेकिन कुछ एक लोगों के साथ होता है लेकिन इसको धीरे धीरे आप करेंगे आपको पूर्ण सफलता मिलेगी इस आ, साधना को करके और जब आपको किसी के बारे में कुछ जानना है आप उसके पास बैठे हुए हैं तो इस मंत्र का जाप करें 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेके और धीरे धीरे आपको आभास होने लगेगा कि उसके आगे पीछे जन्म में क्या हुआ है और उसके इस जन्म में क्या चल रहा है ठीक है एक बार मंत्र फिर से सुनिएगा ओम नमो वीर हनुमान हाथ बताशा मुख में पान आओ हनुमान बताओ हाल काल रथी का चेला अंजनी का लाल अमुक मनुज का पीछा आगा भविष्य सब ऊंचा नीचा पाप पुण्य सब चोखा चोखा तुरथी बताओ ना बताओ तो माता अंजनी का दूध हराम गुरु कानिफ उचारे अंजनी का जाया हनुमान मारो काज सवारे मेरी भक्ति गुरु कानिफ की शक्ति फूलो मंत्र ईश्वरवाचा ठीक है इस मंत्र के जाप से आपको ये शक्ति प्राप्त होगी इसका उपयोग जो तंत्र प्रैक्टिस करते हैं वो भी कर सकते हैं जो व्यापार में है वो भी कर सकते हैं इससे व्यापार में काफी मदद मिलती है और अपने आसपास अपने मनुज अपने दोस्तों को चुनने से पहले भी इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए आमतौर पर क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग मंत्र नहीं है ये मंत्र आभास के लिए है इसलिए इस मंत्र को सबको करना चाहिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए ठीक है आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव इसमें हम साधना का बेसिक है